के हवाले से भी काफ़ी परेशान थे। और ज़रूरत ये थी कि अब ये अरब में एक हद तक सुकून हो, आराम, ये इमाम हसन के सामने दूसरा चैलेंज था। इमाम हसन के सामने एक तीसरा चैलेंज था, वो ये था कि असल जो दीन है वो या कुरान की सूरत में है या सुन्नत रसूलुल्लाह की सूरत में है। लेकिन रसूल अकरम के बाद ये जो शाम फतह हुआ है, शाम जब से फतह हुआ है तब से बनी उमैया के कंट्रोल में रहा है। सबसे पहले अमीर शाम का बड़ा भाई यजीद वो था, एक साल तक रहा, उसके बाद मुआविया रहा है और मुसलसल 60 हिजरी तक ये कोई 39 साल हुक्मरान रहा है। इस बीच में कोई और नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो दीन इस्लाम पहुँचा है वो बुनियादी तौर पे थोड़ा सा कुरान मजीद पहुँचा है, किसी हद तक थोड़ी सी सुन्नत रसूल पहुँची है, अक्सर जो पहुँचा है वो सीरत शेखैन पहुँचा है। असल दीन से ये शाम का इलाका वाकिफ ही नहीं है और जो असल दीन के मुहाफिज हैं अहले बैत उनके खिलाफ वहाँ पे इस तरह से प्रोपेगंडा की गई है कि अली और औलाद अली दीन में इल्हाद पैदा करने वाले हैं और दुश्मन दीन है। इसलिए इमाम हसन के सामने ये तीसरा चैलेंज है कि किसी तरह से शाम में भी असल दीन की तबलीग की जाए ताकि अहले शाम असल दीन से आगाह हो। ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने हैं। सबसे पहले दो उम्मतें बन गई हैं, एक उम्मत बनानी है। दूसरा ये खिता पूरा मुसलसल 40 बरस से एक जंग की हालत में है, इसको अमन की ज़रूरत है। नंबर तीन, शाम में असल दीन जो कि कुरान और सुन्नत रसूल की सूरत में है, और सुन्नत रसूल वो जो बज़बान अहले बैत है उसको पहुँचाना है। अब इस सूरत हाल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या कर सकते हैं? ये तीनों चैलेंजेस इमाम हसन के सामने हैं। अगर जंग को जारी रखते हैं तो ये जंग अब इस तरह से हो गई है कि इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये किसी भी फरीक के लिए फतह हासिल करना ये मुश्किल हो गया है, इसलिए कि हालात इस तरह से जंगी बन गए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे के और ये तीनों चैलेंजेस जो है वो कबूल किए और इनका हल किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब अमीर शाम की तरफ से सुलह का पैगाम आया तो अमीर शाम तो सिर्फ ये चाहता था कि जिस इलाके में इमाम हसन हैं उस इलाके में इमाम हसन रहें, जिस इलाके में अमीर शाम हैं वो उस इलाके में रहें कुछ अरसे तक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो जवाब भेजा वो ये है कि मैं तुम्हें ये इलाका देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शरायत ये हैं कि सबसे पहले जो शर्त है सुलह की वो ये है कि तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे। इसको कबूल करने का मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत के अलावा और कोई सीरत और सुन्नत दीन नहीं है, दीन सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह है। नंबर दो, जो शर्त हमें मिलती है वो ये है कि अमीर शाम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जायज़ हुक्मरान नहीं है। एक सूरत हाल बनी है कि जिसमें हुकूमत उसके पास जा रही है लेकिन वो इस लायक नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन बन सके। नंबर तीन, जो अली इब्न अबी तालिब के हिमायती हैं वो महफूज रहेंगे
उनकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, उनकी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। और नंबर चार ये है कि अमीर शाम अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाएगा। ये मुख्तलिफ किताबों से तहकीक करके जब हम नतीजा निकालते हैं तो ये चार पांच जो है शराइत हमारे सामने आ जाती हैं। अमीर शाम को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे वो इलाका भी मिल जाएगा जो इमाम हसन के कंट्रोल में था, इसलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही है। और कहा यह गया है कि जी साफ कागज़ भेजा और कहा कि जो शराइत आप चाहें लिखें और उस पर मुहर लगा दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये मंसूबा इतना कामयाब हुआ कि तीनों चैलेंजेस हल हो गए। सबसे पहले जब बनी उमैया ने एक साजिश बनाई थी दो उम्मतें बनाने की, इमाम हसन ने अपनी हुकूमत का की कुर्बानी देके दो उम्मतों को वापस एक उम्मत बना दिया। और इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरा बेटा हसन सरदार है, सैयद है, और इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी वापस एक बना देगा। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जो किरदार है और कामयाबी है वो है। नंबर दो, इस पूरे इलाके में काफ़ी हद तक अमन आ गया, सुकून आ गया। नंबर तीन, जो इलाके शाम के थे उन इलाकों में भी अब अमीर शाम ने जब ये देखा कि सारा मुल्क मेरा हो गया है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को रोका जाए, इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिसको कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस इशारे पर कूफा से मर्द अलहदा जाते थे, औरतें वफ्द बनाकर अलहदा जाती थीं और शाम की तरफ जाते थे। वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे वो दीन इस्लाम असल जो कुरान और सुन्नत है और अहले बैत का जो असल मकाम है वो पहुँचाते थे। इनके हवाले से तकरीबन जो है कदीम दौर से किताबें भी अलहदा से मौजूद हैं। एक किताब वाफदात के नाम से कि जो औरतें कूफा से शाम गई हैं वफद बना के, हत्ता के यहाँ तक के उनमें से कई वफद जो है वो अमीर शाम की दरबार तक पहुँचे हैं और वहाँ जाके अहले बैत का असल मकाम बयान किया है। इसी तरह से जो मर्द हैं वाफदीन वो अलहदा गए हैं, उनके हवाले से भी अलहदा किताब मौजूद है हमारे पास कि वहाँ पहुँच कर उन्होंने दीन इस्लाम को बयान किया है। 10 साल तक एक हद तक अमीर शाम ने इन सुलह के शराइत पर अमल किया है। 50 हिजरी 10 साल के बाद अमीर शाम को एहसास हुआ कि मैं जो समझ रहा था कि इमाम हसन ने बाकी मुल्क भी मुझे दे दिया है, असल में इमाम हसन ने सारा मुल्क मुझसे ले लिया है। हत्ता के शाम जो पहले अहले बैत से वाकिफ नहीं था, अब अहले बैत के असल मकाम से वाकिफ हो गया है, असल दीन से वाकिफ होना शुरू हो गया है और एक हद तक हो गया है। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस सुलह के नतीजे में जो अमीर शाम है उसकी हुकूमत जाने के करीब पहुंच गई, इसलिए 50 हिजरी में अमीर शाम ने इस सुलह को तोड़ दिया और सुलह के तोड़ने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए से शहीद करा दिया और फिर हालात जो है दूसरी सिमत चले गए। लेकिन 50 हिजरी तक ये तीनों चैलेंजेस इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुलह के ज़रिए से हल कर दिए। दो उम्मतें वापस एक उम्मत बन गई, लोगों को एक हद तक सुकून फराहम हुआ और शाम का इलाका एक हद तक अहले बैत से वाकिफ हो गया। हत्ता कि यहाँ पे जहाँ तक कहा गया है तारीख में कि बनी उमैया के पास दमिश्क के अलावा बाकी इलाका नहीं रहा, बाकी इलाका अहले बैत के करीब हो गया था।
इसलिए अगर 50 हिजरी तक कुरान मजीद नाजिल होना जारी रहता तो यकीनन ये आयत एक दफ़ा फिर नाजिल होती, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपको फतह मुबीन अता की है। जिस तरह से रसूल अकरम की सुलह हुदैबिया फतह मुबीन थी, बिल्कुल उसी तरह से इमाम हसन की सुलह भी दीन और इस्लाम के लिए फतह मुबीन थी। अल्लाह तबारक तआला हमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार को सही तौर पे समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।